वी आर बैक विद रिएक्शन वीडियो गाइस। आप लोगों को पता है कि इस टाइम बादशाह जैसे हिप हॉप सीन में खतरनाक हाइप पे जा रहा है, क्योंकि बादशाह की आ रही है एल्बम डाकू गाना, इतना खतरनाक वायरल गया, इतना हिट ट्रैक गया। और मुझे खुद बादशाह ने अपने यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल पे पेज पे रिएक्शन चैनल्स के साथ मुझे भी फीचर किया गया था, जो कि बहुत लाइक एक अच्छी फीलिंग्स थी मेरे लिए। सो मैंने अभी टीज़र देखा, पूरा 4 मिनट का टीज़र है, क्या खतरनाक वाइब है, पूरी हॉलीवुड मूवी वाली फील आ रही है, पूरी एक्शन थ्रिलर सीन होने वाला है पूरी एल्बम का। और वो सारा हमने टीज़र देख लिया, फीचर्स हमें पता लगे, क्या खतरनाक, क्या बड़े बड़े फीचर्स थे भाई। और एल्बम रिलीज़ हो रही है रमज़ान के अंदर, सो हम रमज़ान के बाद रिएक्शन करेंगे पूरी एल्बम पे। बट हमने टीज़र देखा खतरनाक, और अभी रैप बोट ने वीडियो डाली है पूरा, जो आई थिंक सो सारा जो भी फीचर्स होंगे, जो भी डेट्स और जो जो हिंट्स होंगे एल्बम से रिलेटेड, जो जो बातें होंगी वो ऑब्वियसली बात है रैप बोट ने सारी बातें बताई होंगी, एक वीडियो में कवर किया। सो मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या सीन है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं हूँ असली बिहार पाकिस्तानी रैपर। शुरू करते हैं रैप बोट। यार रैप बोट बहुत बहुत सही वीडियोज़ बनाता है बंदा यार, पूरी एक ना ऑथेंटिक वीडियो होती है पूरी, एक हर डिटेलिंग इतनी ज़्यादा होती है वीडियो में हर चीज़ को लेके। सो लेट्स गो गैंग, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने टीज़र में मिस कर दी हैं, या जो भी ऐसी चीज़ें जो हमने मिस कर दी हैं बादशाह की एल्बम से रिलेटेड, वो इस वीडियो में पता चल जाएगा भाई। लेट्स गो। क्या तुम लोगों ने कभी ये इमेजिन किया था कि कोई डीएचएच प्रोजेक्ट में हमें शाहरुख खान का फीचर देखने को मिल सकता है? यस भाई, ये पॉसिबल किया है। सो आज ही बादशाह ने अपने थर्ड स्टूडियो एल्बम एक था राजा का ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप किया है। एंड गेस व्हाट, इस वीडियो में हमें एसआरके का वॉइस ओवर देखने को मिला है। अक्सर तूफान से पहले भाई ये बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ी कि तूफान आने वाला। आप गेस करो ना कि एक एक शाहरुख खान जो बॉलीवुड का किंग है, जो पूरी इंडस्ट्री का किंग है भाई, जो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, जो हॉलीवुड में भी जिसका नाम है बंदे का, मतलब खतरनाक भाई, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं ना। सो अब उसका वॉइस ओवर बादशाह की एल्बम में भाई, वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर कोई एक्ट नहीं है, वॉइस ओवर किया गया है, जो कि भाई भाई बहुत बड़ी चीज है। खैर मैं बार बार पॉज नहीं कर रहा, देखते हैं वीडियो, अपनी बातें बाद में। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस अनाउंसमेंट वीडियो में बादशाह ने इस एल्बम के फीचर भी रिवील कर दिए हैं। और जो फीचर लिस्ट है ना, एक बार उस पे नजर डाल लो। करण औजला, डिवाइन, कृष्णा, रागा, 47, इक्का, डीओजी, ये तो कुछ आर्टिस्ट हो गए। इनके अलावा और भी आर्टिस्ट है जो हमें इस एल्बम वाले है। और एक सरप्राइज फीचर, जो हिंट तो हमें पहले से मिल रहा था बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी आएगा ये कोलैबोरेशन, इस एल्बम में अरिजीत सिंह का भी कोलैबोरेशन बादशाह के साथ, ये बहुत डिफरेंट होने वाली है चीज। ओके सो फीचर की बात तो हो गई, अब हम वापस से आ जाते हैं अनाउंसमेंट वीडियो में। सो ये कोई नॉर्मल सी अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है, दिस इज अ मूवी। सो इसके पहले कभी 4 मिनट का अनाउंसमेंट वीडियो देखा है भाई? कभी नहीं देखा। बादशाह वाई कर सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल सी अनाउंसमेंट वीडियो नहीं है, इस अनाउंसमेंट वीडियो में तुम्हें एक स्टोरी लाइन भी देखने को मिलेगी, इस एल्बम के थीम के बारे में हिंट मिलेगा, और भी बहुत कुछ है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके यस सर, बहुत एक्साइटेड भाई, बहुत एक्साइटेड। अब मुझे सारी चीजें टीजर देख के समझ आ गई हैं, बट वो जो डिटेलिंग रैप बोट बताता है ना, वो सुनना चाहिए। स्टार्ट होता है, हमें स्टार्टिंग में ही एसआरके के वोकल सुनने को मिलते हैं। अक्सर तूफान से पहले की शांति ये बता देती है कि तूफान आने वाला है। और जब मैंने ये वीडियो पहली बार आज सुबह जब ये रिलीज हुआ था, तो जब मैंने ये देखा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें शाहरुख खान जो है वो वोकल देने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड हमें देखने को मिलने वाला है। बट जब मैंने ये सुना ना, सुन के तो मुझे पता चल गया था कि एसआरके की आवाज है, बट मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि एसआरके को डीएचएच में कोई कैसे लेके आ कैसे लेके आ सकता है। बादशाह भाई है तो पॉसिबल है। और जो एसआरके की वोकल है ना भाई, इसमें कुछ अलग ही आवाज है, अलग ही है भाई। हम लोगों ने एसआरके की इतनी मूवी देखी है भाई, मैं भी ना एकदम शॉक हो गया था जब मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे मतलब प्ले किया ना, मेरे सामने प्ले हुआ। सो मैं एकदम मतलब, अब मुझे भी जैसे रैप बोट कह रहे ना कि पता लग गया कि शाहरुख खान है, बट वो हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि ये शाहरुख खान ही है या कोई और है, या मतलब ऐसा हो गया था भाई। कसम से आवाज से फैमिलियर है, ठीक है। और जब उनके वोकल सुनाई पड़ रहे थे ना, बिल्कुल गूज़बम्स फील। लेकिन कई यार, आप लोगों ने मेरा रिएक्शन जरूर देखना जाके, कसम से बिल्कुल मेरी यही फीलिंग थी जैसे रैप बोट बता रहा है भाई। बताकर नहीं आते। और एक चीज मैं तुम लोग यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे जो डायलॉग्स एसआरके बोल रहे हैं ना, वो डायलॉग्स लिखा बादशाह ने है, ठीक है।
एसआरके जो है सिर्फ वॉइस ओवर कर रहे हैं, वो डायलॉग लिखा हुआ बादशाह भाई का, अगर तुम क्रेडिट चेक करोगे तो वहां पे तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा। और अगर तुम पहले डायलॉग पे नजर डालो तो यहाँ पे एसआरके बोल रहे होते हैं, अक्सर तूफान से पहले की शांति बता देती है कि तूफान आने वाला है। सो ये इनडायरेक्टली, अगेन मैंने बताया था राइटिंग बादशाह भाई की है, तो यहाँ पे बादशाह भाई ये बोलना चाहते हैं कि एल्बम ड्रॉप होने से पहले जो थोड़ी बहुत शांति बनी हुई है, ये तूफान का इंडिकेशन है कि आगे तूफान आने वाला है। तूफान का मतलब बादशाह भाई का थर्ड स्टूडियो एल्बम। और अगर हम म्यूजिक वीडियो में ध्यान देना तो विजुअल्स देख के ऐसा लग रहा है कि हम किसी बहुत ही ज्यादा हाई बजट बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, बॉलीवुड मूवी का सीन देख रहे हैं। और फिर इसके बाद होती है बादशाह भाई की ग्रैंड एंट्री चार्टर प्लेन में, जिस प्लेन के ऊपर बैड बॉय लिखा होता है। भाई क्या क्रेजी एंट्री थी, आप बहुत क्रेजी। अगेन अगर हम यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी पे ध्यान दें, म्यूजिक पे ध्यान दें, भाई क्या बजट है इस वीडियो का। अनाउंसमेंट वीडियो के लिए इतना पैसा खर्च किया है बादशाह भाई ने, हेलीकॉप्टर्स, चार्टर प्लेन, ठीक है। और जिस तरीके से साउंड डिजाइन किया हुआ है, शाउट आउट टू हितेन, क्या प्यारा साउंड। यार ये जो डॉग्स हैं, ये आई थिंक जो इसका नाम डॉबरमैन है, इस कुत्ते का नाम, जो कि मतलब चीरफाड़ कर देता, बहुत खतरनाक नस्ल है ये भाई। और जिस तरीके से साउंड डिजाइन किया हुआ है, या तो रॉटवाइलर है या डॉबरमैन है भाई, इन दोनों में से कोई। हितेन क्या प्यारा साउंड डिजाइन है, बिल्कुल एक मूवी वाली मूवी फील है, लग रहा है कि हम किसी मूवी का टीजर देख रहे हैं, ट्रेलर देख रहे हैं। रियली गुड जॉब बाय द होल टीम। और जैसे इस एल्बम का नाम है ना, एक था राजा, और राजा यहाँ पे कौन है मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। yes, sir. और एग्जैक्टली वैसी ही इस वीडियो में भी बादशाह भाई को ट्रीट किया गया है, उन्हें पोर्ट्रेट किया गया है बिल्कुल एज अ लीडर, एज अ किंग के जैसे। और फिर इसके बाद इस वीडियो में एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा पार्ट आता है, एक अनएक्सपेक्टेड सा सीन आता है, जहाँ पे बादशाह भाई अपना जो थ्रोन है या फिर अपनी जो चेयर है, ठीक है, मैंने बात की थी राजा की, तो भाई राजा का अपना थ्रोन होता है, उसका एक चेयर होता है, उस चेयर पे पेशाब करते हैं और फिर उसको जला देते हैं। और अगर हम यहाँ पे एसआरके की बैकग्राउंड वोकल पे ध्यान दें तो एसआरके बोल रहे होते हैं, कुछ लोगों के लिए ताज प्यारा है, कुछ लोगों के लिए तख्त, और कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो राजा हो, और कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। और बादशाह भाई एग्जैक्टली अपने आप को वैसा ही राजा यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। yes, मतलब उनके लिए तो वो राजा है, ही इज अबव ऑल, बट उनको अपनी गद्दी, उनको अपनी ताज से फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए पहले वो अपनी गद्दी जलाते हैं जहां पे वो बैठते हैं, अपना थ्रोन जलाते हैं और फिर अपना ताज भी फेंक देते हैं। एंड अगेन जैसा मैंने बोला, बादशाह नोज ही इज द किंग, ही इज अबव ऑल, तो उन्हें ना ताज की जरूरत है ना तख्त की जरूरत है। एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे एसआरके के वोकल पे ध्यान दो तो एसआरके बोल रहे होते हैं कि आज ये ताज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा, पर बात सिर्फ हमारी होगी। ये ताज कल किसी और के पास होगा लेकिन बात सिर्फ हमारी होगी। मैं अगर तुम लोगों को रियल टाइम एग्जांपल दूं तो भाई इंडिया में, भारत में कितने राजा ने रूल किया है, बट हम कितने राजा के बारे में बात करते हैं आज, बहुत कम। ऐसे राजा, ऐसे रूलर जिन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, जिन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये जो ये प्लेन वाला जेट वाला सीन ना, ये बहुत ही खतरनाक था, लाइक एक गूज बम्स फील था। और एक इतना यार कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि जैसे हिप हॉप सीन में ये वाला लाइक प्लेन में आ रहा है बैड बॉय भाई साहब, खतरनाक। उनकी कहानियां बन गए, उनके किस्से बन गए, तो उनके बारे में बात किया जाता है। कितने सारे राजाओं को लोग याद भी नहीं करते, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि भले तख्त चेंज होगा, भले ही ताज चेंज होगा, बट हमारी बात हमेशा की जाएगी, बादशाह हमेशा एग्जिस्ट करेंगे म्यूजिक सीन में। और इस वजह से ही इस एल्बम का नाम है एक था राजा। और फिर इसके बाद टीजर में पूरा फीचर रिवील होता है, मल्टीपल आर्टिस्ट है, बीएचएन से, पॉप इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से। और भाई इंडीड मुझे बोलना होगा, दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट एल्बम जो हम इस साल विटनेस करने वाले हैं। यस सर, मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट एल्बम इन डीएचएच टिल नाउ। यस सर, अब देखना है कि ये एल्बम ड्रॉप होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा। किस किस का बताऊं, रागा का फीचर पता नहीं कैसा होगा भाई, सीधे मौत का फीचर कैसा होगा भाई,
करण ओजला के साथ क्या कमर्शियल शिट होगी भाई, डीनो जेम्स के साथ कैसा होगा, डिवाइन के साथ, एमसी स्टैन के साथ, अरिजीत सिंह है भाई वो क्या क्लासिक शिट जाएगी भाई, आस्था गिल कमर्शियल वाइब, यू ऑलरेडी नो मैन, इक्का के साथ भाई साहब, ये वाकई ना हिप हॉप जैसी हिप हॉप सीन की बहुत बड़ी एल्बम होने वाली है। इस ओवर तुम लोगों को कैसा लगा, अपनी फीडबैक बहुत खतरनाक करते हो कमेंट करके बताना। अगर चैनल पे पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, लेट्स गो गैंग। यार मजा आ गया यार, कसम से बहुत अच्छा वीडियो बनाया रैप बोर्ड ने पूरा, एक वो मैंने आप लोगों को बताया कि रैप बोर्ड की वीडियोस बहुत ऑथेंटिक होती है, लाइक क्रेजी वाली, बिल्कुल वन बाय वन पूरी सीक्वेंस में चलती है। खैर भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ जो फीचर्स दिखने को मिले, और भाई जो वो जो शाहरुख खान का SRK का वोकल पीछे चल रहा है ना, वो ना एक गूज बम्स फील दे रहा है, एक एग्रेसिव शिट दे रहा है, एक अंदर से एक ना जो बंदे के अंदर एक जोश उठ रहा होता है ना, वो वाली फील दे रहा है पूरा टीजर दे के, भाई मजा आ गया गाइस, बहुत एक्साइटेड हूँ। टीजर पे मैंने रिएक्शन किया पूरा 4 मिनट का, जो टीजर है ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो, मैंने रिएक्शन किया, जरूर आप लोगों ने जाकर देखना और बताना है कि आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या एक्साइटमेंट है, कैसी कमेंट में प्यार शो करवाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, 10K सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले रिएक्शन में, लव यू, पीस, बाय बाय।